जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के लेक्चर के अंदर हम भारत के प्रमुख उत्सव, त्यौहार और महोत्सव, इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर और शुरुआत करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य के अंदर एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, सरहुल महोत्सव, जो कि सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार का आयोजन कब किया जाता है, चैत्र महीने के अंदर, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन इसका आयोजन किया जाता है और इसके अंदर पूजा की जाती है वृक्षों की। तो सरहुल महोत्सव जिसमें पूजा किसकी की जाती है, जो वृक्ष देवता होती है इसी की पूजा की जाती है और इस पर्व को नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जो सरहुल पर्व है ना, इसको आदिवासी इस पर्व को हादी बोगा के नाम से भी मनाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर सरहुल महोत्सव ना दे के हादी बोगा नाम भी दिया दे सकता है कि हादी बोगा पर्व जो है ये कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है झारखंड राज्य के अंदर। इसी के अलावा जो सरहुल पर्व है, यह झारखंड की जो अलग अलग जनजातियाँ है ये इनको अलग अलग नाम से मनाती है। जैसे कि जो उराव जनजाति है, यह उराव जनजाति इसे मनाती है खुदी पर्व के नाम से मनाती है। संताल जनजाति इसे मनाती है बाहा पर्व के नाम से मनाती है। एक अपने पास में मुंडा जनजाति जो कि इसे बा पर्व के नाम से मनाती है। एक अपने पास में खड़िया जनजाति जो कि इसको जकोर पर्व के नाम से मनाती है। जो कि यह क्या है, झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ थी जो कि इस सरहुल महोत्सव को अलग अलग नाम से मनाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, तोरंग्या महोत्सव। और ये तोरंग्या महोत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा आदिवासी समुदाय है इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग मठ है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ यहाँ पे तोरंग्या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय का मोस्ट इम्पोर्टेंट महोत्सव है चेरी ब्लोजम महोत्सव। और मेघालय राज्य ने इस चेरी ब्लोजम महोत्सव जो है इसको प्रकृति का उत्सव भी घोषित किए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रकृति का उत्सव यह किस त्यौहार को कहा जाता है, तो यह कहते हैं चेरी ब्लोजम महोत्सव को, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। इसी के अलावा मेघालय के अंदर एक वांगला उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। जो वांगला उत्सव है यह गारोस जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो गारोस जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और यह त्यौहार फसल कटाई के बाद का त्यौहार है, जो कि गारोस के जो सूर्य देवता थे जिनका नाम क्या था, सालजोंग, इन सालजोंग को सम्मानित है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य के अंदर आपको ध्यान देना है, एक तो हॉर्नबिल महोत्सव और एक है नागा मिर्च महोत्सव। दोनों के दोनों कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं, हॉर्नबिल महोत्सव और एक है नागा मिर्च महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जो नागालैंड का स्थापना दिवस है इस दिन इसका आयोजन किया जाता है। और नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन, यानी 1 दिसंबर 1963 इस दिन नागालैंड की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 दिसंबर के दिन नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जो हॉर्नबिल महोत्सव है यह नागा विरासत और इसी के अलावा उनकी परंपरा, समृद्धि और इनको रक्षा करने, इसी के अलावा जो नागा विरासत है इसको पुनर्जीवित करने के लिए इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है नागालैंड राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, निमाड़ी मिर्च महोत्सव। निमाड़ी मिर्च जो है यह एक प्रकार की क्या है, मिर्च है, जो कि अपने तीखे स्वाद के कारण देश और दुनिया के अंदर मशहूर है। तो निमाड़ी मिर्च कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की। और निमाड़ी मिर्च महोत्सव इसका आयोजन भी कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इसी के अलावा मांडू महोत्सव जिसका भी आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। और एक है नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है ना, इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की जैसे ऐतिहासिक परंपरा हो गई, सांस्कृतिक विरासत हो गई, इसी के अलावा प्राकृतिक संपदा, वास्तुकला आदि को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है।
तो आपको मध्य प्रदेश राज्य के तीन त्यौहार याद रखने, एक तो है निमाड़ी मिर्च महोत्सव, एक है अपने पास में मानू महोत्सव और एक है नमस्ते ओरछा महोत्सव। ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश राज्य के। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या कौन सा पर्व मनाया जाता है? हरेला पर्व मनाया जाता है। तो हरेला पर्व जो है यह कहाँ का है? उत्तराखंड राज्य का पर्व है और यह हरेला पर्व भगवान शिव और जो देवी पार्वती थी इनकी पूजा के लिए, यानी भगवान शिव और देवी पार्वती इन दोनों को समर्पित है हरेला पर्व। इसी के अलावा एक अपने पास में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हरेली त्यौहार मनाया जाता है। हरेली त्यौहार जो कि कैसा त्यौहार है? एक कृषि त्यौहार है। हरेली का मतलब क्या होता है? हरियाली से होता है, जो कि हर वर्ष सावन के महीने के अंदर अमावस्या के दिन इसका आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। तो दोनों त्योहारों के अंदर कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि एक तो है अपने पास में हरेला त्यौहार और एक अपने पास में हरेली त्यौहार, बस दोनों में कन्फ्यूज मत होना। जैसे बात की जाए हरेला की तो ये तो कहाँ का है? उत्तराखंड राज्य का है। जबकि हरेली की बात की जाए तो हरेली त्यौहार कहाँ का हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा। तो दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। हरेला उत्तराखंड का है और हरेली कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? रज महोत्सव। इसे राजा परबा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ओडिशा के अंदर 3 दिन तक चलता है। इस त्यौहार के अंदर मानसून की शुरुआत मानी जाती है। इसी के अलावा जो अपनी पृथ्वी माता है, इसी पृथ्वी के नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। इस त्यौहार के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो धरती माता या फिर जो भू देवी है, इसका मासिक धर्म आता है इस त्यौहार के दिन। और चौथा दिन ये कैसा होता है? शुद्धिकरण यानी स्नान का दिन होता है। तो 3 दिन के दौरान महिलाएं जो है ना तो कुछ कार्य करती है। तो ये है रज महोत्सव, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। इसी के अलावा एक और पर्व है जिसका नाम क्या है? धानु यात्रा महोत्सव। इसे धानु यात्रा या फिर धानु यात्रा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। धानु यात्रा यह विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है और यह भगवान कृष्ण और उनके मामा जो थे ना कंस, इनकी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जो कि भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस के ऊपर आधारित है। तो ये कौन सा है? धानु यात्रा महोत्सव या फिर धानु यात्रा महोत्सव, जिसे विश्व का सबसे खुला थिएटर भी कहा जाता है। इसी के अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? पूरी ओडिशा के अंदर। नुआखाई त्यौहार, यह भी कहाँ पे मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। एक अपने पास में बोईता वंदना त्यौहार। नेक्स्ट है छऊ महोत्सव, जिसका आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। छऊ महोत्सव जो है यह 3 प्रकार का और होता है। जैसे अपने पास में कौन सा है? सरेकला छऊ, और जो सरेकेला छऊ है यह है झारखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। और एक अपने पास में पुरुलिया छऊ, और जो पुरुलिया छऊ है यह कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास में? पोंगल त्यौहार। तो पोंगल महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। इसे पोंगल पर्व की शुरुआत किससे मानी जाती है? भोगी पोंगल से होती है, जो कि देवरात इंद्र को समर्पित है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो पोंगल त्यौहार है इसकी शुरुआत भोगी पोंगल से होती है, जो कि देवरात इंद्र को समर्पित है। इसे भोगी पोंगल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो देवराज इंद्र है ये सदा भोग विलासा से लिप्त रहने वाले देवता माने जाते थे। साथ ही वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए इंद्र देव की इसके अंदर पूजा की जाती है। तमिलनाडु में जो पोंगल के त्यौहार है इसको 9 वर्ष के शुभारंभ के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में जल्लीकट्टू महोत्सव। तो जल्लीकट्टू महोत्सव जो है ना, इस महोत्सव के अंदर जो बैल होते हैं इन बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जल्लीकट्टू महोत्सव, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य के अंदर मनाया जाता है, जिसमें जो बैल होते हैं, तो बैल और इंसान, जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है,
ये इंसान और ये बैल, इन दोनों की आपस में क्या कराई जाती है, लड़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट अपने पास में आदिपुरम त्यौहार जो कि तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, और एक है रथ उत्सव। रथ उत्सव यह भी तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, और तमिलनाडु की जो मंदिर है जिसका नाम क्या है, सुचिंद्रम थानुलयनम मंदिर, इसी का एक प्रमुख त्यौहार है रथ उत्सव। तो आपको तमिलनाडु के 4 त्यौहार याद रखने, पोंगल त्यौहार, जल्लीकट्टू महोत्सव, आदिपुरम महोत्सव और एक है अपने पास में रथ उत्सव। ये सभी के सभी कहाँ के हैं, तमिलनाडु राज्य के। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल के अंदर एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओणम महोत्सव। ओणम त्यौहार जो है यह है भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के दोबारा पृथ्वी पर आने के उत्सव के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। एक है अपने पास में त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है यह एक केरल का वार्षिक उत्सव है जिससे कौन से चित्र के अंदर, वलुनावडु क्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और यह उत्सव एक तो है अपने पास में माता दुर्गा और एक है भगवान भोलेनाथ, इन दोनों को समर्पित है त्रिशूर पूरम उत्सव। नेक्स्ट अपने पास में अट्टुकल पोंगल। इस दिन अट्टुकल देव की पूजा की जाती है। तो 3 त्यौहार आपको याद रखने हैं केरल के कौन कौन से हैं। एक तो अपने पास में हो जाएगा ओणम महोत्सव जो कि कहाँ का है, केरल का है। त्रिशूर पूरम महोत्सव हो जाएगा और एक है अपने पास में अट्टुकल पोंगल। अभी जस्ट मैंने एक बताया था पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार जो था ना यह तो कहाँ का था अपने पास में, तमिलनाडु राज्य का था। लेकिन यदि बात की जाए अट्टुकल पोंगल की, जैसे ही पोंगल के आगे अट्टुकल लग गया तो यह त्यौहार कहाँ का बन जाएगा, केरल राज्य का। लेकिन ओनली फॉर पोंगल की बात की जाए तो पोंगल त्यौहार कहाँ का है, तमिलनाडु राज्य का है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, काला घोड़ा महोत्सव, जो कि भारत का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक स्ट्रीट फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है, काला घोड़ा महोत्सव है, जो कि मुंबई के अंदर इसके 20 वर्ष की कला, संस्कृति, सिनेमा थिएटर आदि को दर्शाने के लिए काला घोड़ा महोत्सव इसकी शुरुआत की गई थी। एक है अपने पास में गुड़ी पड़वा महोत्सव। गुड़ी पड़वा महोत्सव जो है ना यह हिंदू नववर्ष के आरंभ की खुशी के अंदर हर महीने का मनाया जाता है, चैत्र महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इसी दिन इसका आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भगवान ब्रह्मा जी थे इन्होंने क्या की थी, सृष्टि की रचना की थी और संसार के अंदर सूर्य यह पहली बार उदित हुए थे। इसीलिए जो गुड़ी पर्व है इसको संसार का पहला दिन भी माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो गुड़ी पर्व है इसको संसार का पहला दिन माना जाता है। तो बस आपको महाराष्ट्र के 2 पर्व याद रखने, एक तो है काला घोड़ा महोत्सव और एक है अपने पास में गुड़ी पर्वा, दोनों के दोनों महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य के अंदर आपको त्यौहार याद रखने, एक तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, अपने पास में ये बथुकम्बा उत्सव। बथुकम्बा यह तेलुगु के अंदर जो बथुकम्बा है इसका अर्थ क्या होता है कि देवी माँ जो है यह जिंदा है, यानी बथुकम्बा जो है इसको महागौरी के रूप में पूजा जाता है। और यह त्यौहार जो है ये स्त्री के सम्मान के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में मेदाराम जतारा महोत्सव, और जो मेदाराम जतारा है ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कौन सा है, तो ये है मेदाराम जातरा महोत्सव। इसी के अंदर आपको ध्यान देना है कि जो कुंभ मेले है, इस कुंभ मेले के बाद में जो मेदाराम जतारा है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है। नेक्स्ट अपने पास में बोनालू पर्व, जिसके अंदर देवी महाकाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, अम्बुबाची का मेला। यह असम की जो राजधानी है गुवाहाटी, तो असम की राजधानी गुवाहाटी के अंदर कामाख्या माता देवी के मंदिर के अंदर 22 तारीख से लेकर 26 जून तक 5 दिवसीय यानी 5 दिन तक अम्बुबाची मेले इसका आयोजन किया जाता है। ये मेला उस वक्त लगता है जब जो माँ कामाख्या है यह रजस्वला यानी मासिक धर्म के अंदर रहती है, और अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के जो कपाट हैं यह खुद ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाती है। इस दौरान उनके दर्शन करने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। 30 से 3 दिन के बाद में क्या होता है कि जो माता है इनकी रजस्वला समाप्त हो जाती है और उसके बाद में इनकी एक विशेष पूजा और आराधना की जाती है। तो
तो ये हो जाएगा अपने पास में अंबुबाची का मेला, जो कि कहाँ पे लगता है, कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर लगता है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है कामाख्या देवी का मंदिर। नेक्स्ट अपने पास में वाचवा महोत्सव, वाचवा महोत्सव यह असम में तेवा आदिवासी समुदाय के द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में बिहू पर्व, बिहू पर्व जो कि असम के अंदर मनाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बिहू जो है यह तीन प्रकार का होता है, जिसे हम कौन कौन से नाम से जानते हैं, रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू, जो कि फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इससे नए वर्ष जो होता है ना, इसके शुभारंभ में माना जाता है। नेक्स्ट अपने पास में भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू, जो कि फसल कटाई का एक त्यौहार है, और एक आता है अपने पास में काती बिहू या फिर एक है कांगली बिहू, जो कि शरद ऋतु का एक मेला है। तो बिहू तीन प्रकार के होते हैं, तीनों मैंने बता दिए, एक तो है रंगाली बिहू, भोगाली बिहू और एक है काती बिहू। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर के राज्य के अंदर एक तो त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, लेवेंडर त्यौहार। लेवेंडर त्यौहार जो है यह बैंगनी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर की खेती ये शुरू की गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, कब, 2010 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और लेवेंडर इसका उपयोग प्रारंभिक चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपयोग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एक अपने पास में कंचोत उत्सव, जो कि जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी क्षेत्र के अंदर प्राचीन नागा संस्कृति का प्रतीक है, और प्राचीन कंचोत उत्सव इसका आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। नेक्स्ट अपने पास में ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल जो है यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल है। वर्ष 2007 के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अपने पास में अहर्बल महोत्सव, अहर्बल महोत्सव यह भी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। ध्यान देना है कि जो अहर्बल जलप्रपात है, जिसे कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, तो कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स ये किसे कहा जाता है, अहर्बल जलप्रपात को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास में एप्पल महोत्सव हो गया, और एक है हेरात त्यौहार, जो कि कहाँ पे मनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने कौन कौन से त्यौहार पढ़े, एक तो पढ़ा है लेवेंडर त्यौहार पढ़ा है, कंचोत उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, अहर्बल फेस्टिवल, एप्पल फेस्टिवल और एक अपने पास में हेरात फेस्टिवल। ये सारे के सारे कहाँ पर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान के अंदर हाथी महोत्सव जिसका आयोजन जयपुर के अंदर किया जाता है, ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया जाता है, और एक है मरु महोत्सव जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव को राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर की शान भी कहा जाता है। इस महोत्सव का आयोजन यह पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो मरु महोत्सव है इसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर की शान कहा जाता है। तो हाथी महोत्सव कहाँ का हो गया, जयपुर का, ऊंट महोत्सव बीकानेर का, और मरु महोत्सव कहाँ का है, पोखरण जैसलमेर का है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, काला नमक चावल, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यह काले प्रकार के चावल होते हैं। तो काला नमक चावल, इस महोत्सव का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट है केला महोत्सव, जो कि सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, और एक है अपने पास में चोरी चोरा शताब्दी समारोह, जो कि 2021 के अंदर कहाँ पे मनाया गया था, गोरखपुर के अंदर, यानी जो चोरी चोरा घटना हुई थी इसके 100 साल पूरे हो गए, और यह घटना स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई का एक ऐतिहासिक घटना थी, इसीलिए चोरी चोरा शताब्दी समारोह, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर।
नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा के अंदर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जिसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। इस मेले का आयोजन एक तो है अपने पास में हस्तशिल्प, हस्तकरघा, इनको बढ़ावा देने के लिए तथा कारीगरों को उनके काम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। जो सूरजकुंड मेला है इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था, 1987 के अंदर। तो 1987 के अंदर सूरजकुंड मेले का पहली बार आयोजन किया गया। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात के अंदर आपको एक तो दिखाई देगा पतंग महोत्सव, जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित किया जाता है, और एक है माधवपुर मेला, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है, माधवपुर के अंदर। जो गुजरात का माधवपुर मेला है ना, यह है भगवान कृष्ण और रुक्मणी इन दोनों की याद के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, गुजरात के पतंग महोत्सव और एक है अपने पास में माधवपुर मेला। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, जहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसकी शुरुआत कब की थी, 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या है, एक कंबाला त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें किसकी दौड़ करवाई जाती है, भैंस की दौड़ करवाई जाती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यानी भैंसों की दौड़ करवाई जाती है कंबाला त्यौहार के अंदर, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक के अंदर। एक अपने पास में पंजाब राज्य, जहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। वैसाखी त्यौहार जो है यह सिख धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। वैसाखी यह क्या है कि जो सिख धर्म है इसका एक बहुत ही बड़ा और एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ है, इस खालसा पंथ की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और गुरु गोविंद सिंह यह सिख धर्म के कौन से, 10वें नंबर के गुरु और अंतिम गुरु थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दशमेश भी कहा जाता है। तो दशमेश यह किसे कहा जाता है, जो सिख धर्म थे ना उनके 10वें नंबर के गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनको दशमेश भी कहा जाता है। और इसी के अलावा जो गुरु नानक देव थे ये सिख धर्म के कौन से, पहले नंबर के गुरु थे। तो हमने कौन कौन से पढ़े यहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, कर्नाटक राज्य के अंदर कंबाला जो कि भैंस की दौड़ थी, और पंजाब राज्य के अंदर वैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सिख धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा के अंदर मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल। तो सिग्मो फेस्टिवल यह है गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा धान की समृद्धि और सुनहरी फसल के लिए इसका आयोजन किया जाता है। मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, एक तो मनाया जाता है नट संकीर्ण और एक मनाया जाता है लाई हरोबा महोत्सव। ध्यान देना है कि जो यूनेस्को थे ना, इन्होंने 2013 के अंदर जो नट संकीर्ण महोत्सव था ना, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2013 के अंदर यूनेस्को के द्वारा जो नट संकीर्ण है ना, इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट अपने पास में एक सेकेंड, यहाँ पे एक और त्यौहार है मणिपुर के अंदर नट संकीर्ण, और एक है लाई हरोबा महोत्सव। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लद्दाख राज्य की। तो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है स्पुतिक गस्टर उत्सव और एक अपने पास में लोसर महोत्सव। दोनों के दोनों त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, लद्दाख के अंदर। तो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल और एक है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम के अंदर एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव जो है ना, यह त्यौहार प्रतिवर्ष भारतीय राज्य जो अपना सिक्किम राज्य है ना, यहाँ पे मनाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब किसान अपनी फसल की कटाई कर लेते हैं, इस फसल की कटाई के जश्न के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। लोसांग त्यौहार यह सिक्किम के एक तो भूटिया जनजाति और एक अपने पास में लेपचा जनजाति, इनके द्वारा बनाया जाता है। जो भूटिया जनजाति है यह तो इसे सोनम लोसांग त्यौहार के नाम से मनाती है, जबकि लेपचा जनजाति इसे नामसुंग के नाम से मनाती है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं मिजोरम राज्य की। तो मिजोरम के अंदर चपचार कूट त्यौहार इसका आयोजन किया जाता है, और बिहार राज्य के अंदर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार की छठ पूजा, जिसका आयोजन अभी हाल ही के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है हुनर हाट।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है हुनर हॉट 140वें नंबर का, जिसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया, और हुनर हॉट जो कि 41वें नंबर का था ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, आगरा के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट अपने पास में भारत ड्रोन महोत्सव 2022, जिसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर किया गया। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, हुनर हॉट 40वें नंबर का मुंबई के अंदर आयोजित किया गया, हुनर हॉट 41वें नंबर की बात की जाए तो इसका आयोजन आगरा के अंदर किया गया, और भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जिसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो यह था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।